वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलाइका जावेद। क्या करते हैं आप? ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में या तो स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं, कोई फन वगैरह नहीं करते? ऑब्वियसली करते हैं। करते हैं, अच्छा लड़कियों को किस एज में जाके आंटी बुलाना चाहिए? लड़कियां आंटी होती नहीं है। तो ये जो लड़के कहते हैं वो क्यों कहते हैं? लड़कियों को ना गुस्सा भी आता है इस बात पे, तो गुस्सा क्यों आता है पहले तो ये क्लियर कर दें। यार क्योंकि वो आंटियां नहीं होती ना, अब यूनिवर्सिटी में कोई आंटी तो नहीं आ जाएगी उठ के, तो वो ऑब्वियसली वो आंटी नहीं है तो कहेंगे तो गुस्सा तो आएगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन आपने मेरा सवाल नहीं सुना कि लड़कियों को किस एज में जाके आंटी कहना चाहिए। 60+। 60+ तब तो नानी होगी। नहीं जरूरी तो नहीं है, अब 30-40 साल जिंदगी में गुजर जाते हैं पढ़ाई में और 20 साल बचते हैं, उसमें नानी तो नहीं बन सकता। नानी नहीं बन सकता मतलब 60 साल के बाद? 60 साल के बाद नहीं बन सकता ना नानी? बन सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं, जैसे आजकल चल रहा है नॉर्मल के PhD कर लेते हैं, ठीक है उसके बाद शादियां होती हैं तो वो नॉर्मल है। अच्छा आप ये बताएं कि दिल टूटा? हाय टूटा। कितनी दफा? ज्यादा दफा मौका नहीं दिया, बस एक दफा। कैसे टूट गया वो? वो बस टूट जाता है। वैसे लड़कियों के मोस्टली टूटते तो नहीं है, कैसे टूट गया, कैसे ही मतलब क्या थी? अब वो मैं आपको तो नहीं बताऊंगी। अच्छा चलो ये तो टूटने वाला ना बताए, ये बताए तोड़े हैं दिल? वो आप मुझसे मतलब हाँ ऑब्वियसली लड़कियां हैं तो तोड़ती हैं। कितनों का तोड़ चुकी हैं अभी तक? ज्यादा अब किसी की बात तो मैं आपसे शेयर नहीं करूंगी। कर दे एक आधे कर दे जिससे आप खुद तंग आके तोड़ा था, ये तो बस सर हो गए तो वो हाँ नेम ना ले वैसे मेंशन कर। हाँ वो शायद होंगे कोई 3-4-5-6। नहीं नहीं कोई ऐसी स्टोरी जिससे आप तंग आके आपने तोड़ा था। ऐसी स्टोरी ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं, मैं कौन सी बताऊं? ये एक बता दें, नेम तो ले नहीं रहे किसी को, क्या पता किसके बारे में। हाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो टिकटॉक पे डायरेक्टली आके मैसेजेस कर रहे हैं कि आई लव यू और मुझे आप पसंद है, मैंने आपको फलां जगह पे देखा तो विल यू मैरी मी, तो उनसे आके पहली नजर में पहली नजर का प्यार? यार वो प्यार नहीं होता, वो ये होता है कि भाई वो चेक कर रहे हैं कि भाई अगली लड़की किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है, अगर वो रिस्पॉन्स कर रही है तो भाई हम जाएं, और वो मतलब इतना भी लिहाज नहीं होता कि वो डायरेक्ट कह रहे हैं विल यू मैरी मी। और ऐसे बंदे जिन्हें घर में खाना नहीं मिल रहा होता, घर में उन्हें रोटी 10 बार कहना पड़ता है कि मामा हमें खाना दो, और वो लड़कियों को कह रहे होता है कि विल यू मैरी मी, तो इस तरह से वो तो खा नहीं सकते, खिलाएंगे कहाँ से? खिलाएंगे पैंपर के पैसे नहीं है और शादियां करने आ रहे हैं। अच्छा बिल्कुल ठीक कह रही है, और दूसरा ये कह रहा हूँ ऐसा को फिर रिप्लाई कैसे करना चाहिए, मतलब किस वे में? मैं उन्हें इस तरह से करती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टिकटॉक पे बहुत कम लोगों के मैसेज सीन करती हूँ, और दूसरा बात अगर किसी के सीन कर लूँ तो इस तरह के मैसेज सीन करने के बाद पहले तो उसको अपनी मतलब जो हमारी लैंग्वेज है पंजाबी उसमें कुछ ना कुछ सुनाऊंगी, उसके बाद उसका अकाउंट का रिपोर्ट मार के ब्लॉक करवा। क्या सुनाते हैं कुछ? एक हमें भी सुना दे, हमारी पब्लिक को भी सुना दे। उसको मैं ज्यादा कहती हूँ कि भाई ये किया ना कर, बस यही सिंपल। नहीं नहीं और भी है वो, अब बस आपको क्या बताऊँ। तो और मुझे ये बताएं कि ये जो पॉइंट प्लेस बने हैं न्यू, जो लड़कियों पे कमेंट होते हैं आपने सुने होंगे कमेंट, तो ये किस तरह के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं? यार वो कुछ लड़के कमेंट्स कर देते हैं बाद में, मोस्टली के साथ मैंने ये भी देखा है कि बाद में उन्हें पता चल रहा था कि हमने बहन को छेड़ दिया। बहन को छेड़ दिया? हाँ होता है ऐसा कि उनकी बहन ही होती है और उन्हें ये नहीं पता था कि हमारी बहन जा रही है, वो छेड़ के उन्हें पता चलता है कि अच्छा यार ये हमारी बहन थी, फिर वो कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह। और जब पता नहीं होता हाँ, जब छेड़ रहे होते तब क्या कहते? माशाल्लाह सुभान अल्लाह बच्ची चेक कर रोजा तोड़ती है, ये होता है वो होता है, तो इस तरह से होता है नॉर्मल चीज़। रोजा तोड़ने वाला क्या कॉन्सेप्ट है, आपको तो जाके मुंह तोड़ना चाहिए। वो उन्हें नहीं पता ना कि हम मुंह तोड़ने वाले हैं, रोजा तोड़ने वाला कॉन्सेप्ट तो लड़कों को पता होगा कैसे टूटता है। बिल्कुल ये भी ठीक है, लेकिन जो मुंह तोड़ने वाला है वो आपको पता है, तो ये कैसे टूटता है? मुंह टूट जाते हैं कि मतलब वो लड़की को बहुत लाइट ले रहे होते हैं दूर से देख के ना के, लेकिन जैसे अब जैसे अगर हमारे हम फ्रेंड्स जा रही हैं तो ऑब्वियसली लड़के का मुंह टूटेगा ही। बिल्कुल मुंह टूटेगा, मोस्टली लड़के हमें देख के शर्मा जाते हैं क्योंकि हम उनको कोई हरकत करने जितना छोड़ते नहीं है। बिल्कुल, और दूसरा आप कह रहे हैं ना कि हम लड़कियों को ना लाइट ले लेते हैं लड़के, तो लाइट क्यों लेते हैं और लाइट अगर ना लें तो फिर क्या लेना चाहिए? यार हर अच्छा मैं ये कहूंगी कि 5 fingers आर नॉट इक्वल, ठीक है हर जगह पे ऐसा नहीं होता। हाँ मतलब हर तरफ ना बॉयज का भी कसूर नहीं होता और हर तरफ गर्ल्स का भी कसूर नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ गर्ल्स ऐसी हरकतें करती हैं और कुछ बॉयज ऐसी हरकतें करते हैं कि वो सबको एक ही सर्कल से देखते हैं। मीन्स अब कुछ गर्ल्स ने ऐसी हरकत की तो वो लड़के ना प्रॉपर उसको यही कहेंगे कि भाई ये ऐसी है, वो ये नहीं पता कि भाई तुम लोगों ने कुछ हरकतें ऐसी की हैं जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। लेकिन और ना लास्ट बात, थरकी लड़कों के लिए एक लाइन, थरकी लड़कों के लिए क्या कहूँ? कुछ भी कहते जो दिल में आ रहा है और कंट्रोल कर लिया। यार थरकी लड़के मेरे ऊपर कभी लड़के ठरकियां नहीं मारते, पता नहीं क्यों।
क्यों, वो तो आपसे डरते होंगे ना, आप हर लड़की से तो नहीं डरता लड़का। हाँ लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि लड़के ने ठरकी मारी होगी। और लड़की ने, लड़की भी होती है ना, मैंने सुना है लड़के बताते हैं। लड़की लड़की कहाँ से ठरकी मारेगी, लड़के मैंने इंटरव्यू लिया था वो कह रहे थे कि लड़कियां भी होती है, लड़के भी होते हैं। हाँ होती है ऑब्वियसली, हम जैसे अगर हमें भाई हमें कोई क्या कह रही थी तो मैं कह रही थी हाँ सही बात की है उन्होंने कि बॉयज ठरकियां नहीं मारते, गर्ल्स भी मारती है, और गर्ल्स ठरकियां नहीं मारती, गर्ल्स सीधा भाई पहुंच जाती है उनके डिपार्टमेंट। हमारे साथ भी ऐसा सीन हुआ था कि मतलब हमारी साथ एक होती थी तो उन्हें एक लड़का पसंद आया, तो होती थी मतलब अब नहीं है। हाँ अब नहीं है तो कह सकते हैं, तो हम भाई सीधा गए हैं डिपार्टमेंट उसके, तो एक दो दिन मतलब जैसे घूमते रहे हैं बस, फिर लड़के का नंबर लिया इजी। लेकिन हम मतलब लड़कियां इस तरह से नहीं करती कि किसी को देख के बोलेंगे अस्तगफिरुल्लाह माशाल्लाह भाई जो पसंद है उसको उठा लो, लड़कियां इस तरह नहीं करती लेकिन सीधा डिपार्टमेंट पहुंच जाती है। हाँ, सीधा लड़का प्यारा होना चाहिए, लड़का जरूरी नहीं है, वो हर लड़की पे डिपेंड करता है कि वो कैसा लड़का चाहती है। नहीं जो आपकी दोस्त थी उन्होंने उन पे क्या डिपेंड हुआ था, यानी कि उनको क्या पसंद था? हम पॉइंट प्लेस पे खड़े हुए थे तो उसने मुझे कहा कि यार बच्चा चेक कर हैंडसम है, तो बस फिर वहां से आप चेक करने डिपार्टमेंट ही पहुंच गए, हम लोग पहुंच गए। नहीं नहीं हमने उसको वहीं से बुला लिया, भाई बात सुन मेरी दोस्त को तो पसंद आ गया है, तो कहता है बस ठीक है मुझे भी कोई इशू नहीं, वो तो तैयार हो गया, तैयार होते हैं। हाँ लेकिन हमने उससे उसी टाइम नहीं लिया था, हमने वो फिर उसको पता चल गया था हमारे डिपार्टमेंट का, तो बस इस तरह से वो चल रहा है या खत्म? चल रहा है, चल रहा है माशाल्लाह, आगे भी चले हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया, ओके जी।